थ्री बेडरूम हाउस डिज़ाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है। ओके, सिंपल हाउस डिज़ाइन। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 इंच का वॉल यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, और यहाँ पर हमने टॉयलेट और बाथ यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर हमने ऐसे इंटरनल और आउटर पार्टीशन वॉल यहाँ पर हम ऐसे क्रिएट करेंगे, जिसमें हमें 5 इंच का वॉल मिलेगा। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं प्लानिंग, डिज़ाइन तो ऐसे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखिए यहाँ पर जो रूम है, ऐसे हम यहाँ पर वॉल क्रिएट करेंगे, और वॉल के अंदर हम यहाँ पर विंडो भी ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हमने डोर और विंडो दोनों एक साथ ऐड करेंगे। तो पहला जो है हमें इसका जो वॉल, इसके अंदर कुछ विंडो और इसका डोर यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर 5 इंच का वॉल, इधर भी 5 इंच का वॉल 3 बेडरूम के साथ यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। यहाँ पर अटैच टॉयलेट, ओके, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विंडो के साथ इधर भी वॉल, इधर इंटरनल पार्टीशन वॉल, जो वॉल है यहाँ पर 5 इंच का वॉल यहाँ पर हमने क्रिएट किया है ऐसा। तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद यहाँ पर हम जो विंडो है इसका ऐसे हम क्रिएट करेंगे, ओके। इधर भी ऐसे विंडो वेंटिलेटर, विंडो वेंटिलेटर यहाँ पर हम ऐसे क्रिएट करने वाले हैं। इधर भी, इधर इधर हम ऐसे क्रिएट करेंगे, इधर भी, इधर ऐसे क्रिएट करेंगे, इधर भी विंडो, ओके। नेक्स्ट देखिए इधर हम जो इसका इसका जो रेलिंग यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, इसका रेलिंग, ओके, ऐसे रेलिंग यहाँ पर रहेगा, इधर भी रेलिंग, ओके। इधर से आप इधर डोर, हम डोर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इधर डोर, इधर भी डोर और इधर डोर, डोर और विंडो यहाँ पर क्रिएट करने के बाद हमें बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करना है। यहाँ पर गेट, पोर्च एरिया यहाँ पर, तो यहाँ पर बेल्कोनी एरिया, यहाँ पर ऐसे डोर रहेगा, यहाँ पर डोर D1, इधर भी D1 यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ऐसे हम करने के बाद तो यहाँ पर वेंटिलेटर, नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम, बेडरूम 1 11 फीट 0 इंच दोनों साइड का डिस्टेंस। नेक्स्ट यहाँ पर 12 फीट 7 इंच इधर डिस्टेंस, 11 फीट 0 इंच इधर डिस्टेंस। नेक्स्ट यहाँ पर 14 फीट 0 इंच इधर डिस्टेंस, यहाँ पर टॉयलेट प्लस बाथ 5 फीट डिस्टेंस, 7 फीट 7 इंच डिस्टेंस इधर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम 2, यहाँ पर स्टेयर प्लस ड्राइंग एरिया, यहाँ पर टॉयलेट प्लस बाथ। तो इधर थोड़ा सा इसको इतना तक आएगा, क्योंकि इधर आपको जगह हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, जो आपको मिलेगा इधर मेजरमेंट करने के बाद 12 फीट 10 इंच, ओके। यहाँ पर आपको 5 फीट मिलेगा, इधर 8 फीट 4 इंच यहाँ पर डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम 3 11 फीट 0 इंच, उसके बाद
12 फिट जी रेंज। नेक्स्ट यहाँ पर जो है डाइनिंग प्लस लिविंग एरिया, यहाँ पर किचन, यहाँ पर स्टोर, ओके, यहाँ पर बेल्कनी, फोर फीट वाइड, ओके, यहाँ पर गार्डन, एरिया, किचन एरिया 6 फीट, इधर 8 फीट, इधर 3 फीट, 7 इंच, इधर 6 फीट, ओके, यहाँ पर 11 फीट, 7 इंच एंड इधर 12 फीट। उसके बाद इधर डार्क एरिया, अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे डार्क एरिया करके उधर भी आप इधर विंडो, इधर भी विंडो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने डार्क का पोजीशन यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इसका टोटल जो देखिए 30 फीट 3 इंच डिस्टेंस और यहाँ पर 40 फीट, 30 बाई 40 फीट इधर। तो हम कुछ कॉलम यहाँ पर ऐड करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके, 14, 15, इसके बाद 16, देखिए ऐसे रहेगा। इसका जो आउटसाइड वॉल हमने 5 इंच का वॉल क्रिएट किया है, इनसाइड वॉल में हमने 5 इंच का वॉल क्रिएट किया है, इधर भी 5 इंच का वॉल। यहाँ पर जो कॉलम एरिया है, यहाँ पर 10 बाई 12 इंच का कॉलम यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर 1200 स्क्वायर फीट का ही हाउस प्लान डिज़ाइन है। तो इसके अंदर हमें जो टोटल जो स्क्वायर फीट है, इसके वाइज अगर हम यहाँ पर बिल्डिंग को बनाएंगे तो कॉस्ट क्या आएगा, यहाँ पर 18 लाख प्लस यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, इस बिल्डिंग प्लान के लिए। तो इधर भी आपको 10 बाई 12 इंच का कॉलम यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि देखिए 11 बाई 14 फीट का यहाँ पर। और इधर तो गेट के बाद इधर एंट्री, इधर 4 फीट वाइड पोर्च कम, यहाँ पर पोर्च एरिया रहेगा, यहाँ पर गार्डन एरिया 4 फीट वाइड, ओके। तो यही था प्लान डिज़ाइन। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना।